सभी को जय मसीह की। मैं इस रिट्रीट में आपको गॉस्पेल क्लास में प्रचार करने वाला पास्टर ईहान गिव हूँ। तो मैं परमेश्वर का अद्भुत सुसमाचार आप लोगों को सुना पा रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो इस बार अगर आप इस वचन के प्रति अपना मन खोलेंगे और आप आराम के मन से अगर वचन को सुनेंगे, तो परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है वो आपके मन में काम करेगा और आपके मन में जो पाप है वो स्पष्ट रूप से साफ हो सकेगा। आप उद्धार और अनंत जीवन का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे और आपके मन में परमेश्वर का आत्मा आ सकेगा और आप उस खुशी को महसूस कर सकेंगे जो खुशी आपको शायद इस दुनिया में कभी भी महसूस नहीं हो सकती। तो आप लोगों के बीच में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैं कभी चर्च नहीं गया, मेरा परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, मैं कभी बाइबल को भी मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता? तो अगर आप में से कोई ऐसा भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो क्लास है जब आपको परमेश्वर का परिचय दिया जाएगा। आप चाहे अब तक परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अच्छे से जानता है और परमेश्वर खुद आपके मन में विश्वास डालेगा कि आप उस पर विश्वास कर सकें। तो आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि मैंने बहुत पाप किया है इसलिए मेरे मन में बहुत पाप है, तो परमेश्वर के सामने सच में बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने बहुत शर्मिंदगी से भरा हुआ जीवन जिया है और इसलिए सच में परमेश्वर मुझे अनुग्रह नहीं देगा, मेरे लिए काम नहीं करेगा? क्या आप में से कोई ऐसा सोचता है? आप ऐसी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो यीशु मसीह आप लोगों के ऐसे पाप को स्पष्ट रूप से साफ करने के लिए इस दुनिया में आया। तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। तो यीशु मसीह ने पापी से प्रेम किया है और वह पापियों को पाप से छुड़ाने के लिए दुनिया में आया। तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे यीशु मसीह उद्धार ना दे सके। आप लोगों के काम, आप लोगों का रूप, आप लोगों का मतलब भूतकाल में आपने कैसा जीवन जिया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई नहीं है जिसे परमेश्वर बदल नहीं सकता और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो परमेश्वर सुलझा नहीं सकता। तो परमेश्वर आपको अच्छी तरह जानता है और वह आप सबको उद्धार का अनुग्रह देना चाहता है। तो परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है और वह आपसे प्यार करता है और आपके लिए काम करना चाहता है। तो आप लोग परमेश्वर के सामने और जो वचन आप सुनने वाले हैं उसके प्रति आप बस अपना मन खोलिए। अगर आप अपना मन खोलेंगे और वचन को सुनेंगे तो फिर परमेश्वर का आत्मा आपके मन में वचन के द्वारा काम करेगा और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर से आया विश्वास और परमेश्वर से आई शांति और धन्यवादी मन आपके मन में भर सकेगा। तो आज हमारा पहला क्लास है तो इसलिए मैं आपको जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ और बाइबल के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो पुराने जमाने में कोई एक देश था जिसका एक राजा था। तो इस राजा ने अपने सारे स्कॉलर्स को बुलाया और उनसे पूछा कि जीवन क्या है, इसके ऊपर तुम एक किताब बनाओ और मेरे पास लेके आओ। तो उस देश के बहुत सारे स्कॉलर्स, उन्होंने मतलब बहुत सालों के दौरान मतलब रिसर्च किया और फिर एक किताब बनाई और बहुत सारे मतलब लंबे सफर के बाद वो राजा को मिलने गए। तो राजा तब तक बहुत बूढ़ा हो चुका था और जब उसके स्कॉलर्स उसके पास आए तो राजा ने उनसे बोला, तो जो मतलब जितनी किताबें तुम लोग लिख के लाए हो ये किताबें मैं पढ़ नहीं सकता, तो आप मतलब इसको बिल्कुल छोटा करके एक किताब में लेके आओ। तो फिर वो स्कॉलर्स फिर से गए, फिर वो काफी सालों तक फिर मतलब रिसर्च करते रहे कि जीवन के ऊपर जो भी उन्होंने बातें रिसर्च की उसको एक किताब में मतलब वो कंडेंस करेंगे। तो राजा जब तक वो वापस आए तब तक और ज्यादा बूढ़ा हो गया था, उसके कान आंखें सब खराब हो चुके था। तो मतलब राजा ऐसे हालत में था कि वह एक किताब भी पढ़ने की हालत में नहीं था। तो राजा ने बोला कि अब मेरे बहुत दिन नहीं बचे हैं, तो मेरे पास ये किताब पढ़ने का टाइम नहीं है और मतलब आंखें नहीं है, तो एक बात में मुझे बता दो कि जीवन क्या है। तो जो स्कॉलर्स ने आपस में डिस्कस किया और उन्होंने एक अपना मतलब प्रतिनिधि चुना और उसने राजा के सामने ऊंची आवाज से कहा,
उसने कहा कि जीवन पैदा होना, बड़े होना, बूढ़े हो जाना, बीमार होना और मर जाना है, उसने ये बोला। और तब मतलब राजा ने अपनी आखिरी सांस ली और वो मर गया। तो जीवन मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, आप जो भी करते हैं, वो मतलब आपके जीवन का मेन मकसद नहीं है। तो मतलब जो बात उस कॉलर ने बोली वो जानवरों के साथ भी सेम है, वो भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। तो जीवन, तो मतलब मनुष्य का जीवन, तो जो बुद्धिज्म है वो कहते हैं कि जो जीवन है वो दुख का सागर है। तो जीवन के मतलब कितने प्रकार के दुख हैं वो बताते हैं कि मतलब पैदा होना भी दुख है, बूढ़ा होना भी दुख है, तो बीमार होना भी दुख है, और मतलब हर पॉइंट पे जीवन दुख है। तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो क्या स्माइल करके पैदा होता है, मुस्कुराता हुआ पैदा होता है? जब वो पैदा होता है वो रो के पैदा होता है, रोते रोते आता है। क्यों? क्योंकि पैदा होना भी मतलब दुख से भरा हुआ है, बूढ़ा होना भी दुख से भरा हुआ है, तो बीमार पड़ना भी दुख से भरा हुआ है, मरना उससे भी ज्यादा बड़ा दुख है। तो सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्या है? पैदा होना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मरना। तो इन चार चीजों में से सबसे बड़ी बात क्या है? तो मरने की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप सुलझा लो तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, राइट? तो जीवन है क्या? तो हमें मतलब हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में सोचने की जरूरत है और उसका सही जवाब पाने की जरूरत है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इतने सालों के दौरान कि जीवन की मतलब क्या समस्याएं हैं, जीवन का क्या दुख है, इसके बारे में उन्होंने जवाब ढूंढे हैं, लेकिन कोई भी मतलब स्पष्ट रूप से एक शब्द में नहीं बोल पाया कि जीवन क्या है। तो एक स्पष्ट जवाब देने वाला कोई मतलब स्कॉलर नहीं है इस दुनिया में। तो मैं भी जीवन की समस्या को लेकर बहुत लंबा टाइम मैंने बहुत चिंता की और बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सोचा, बहुत लोगों से बातचीत की। तो बहुत फिलॉसफी, कल्चर, रिलीजन, ऐसी सबसे जुड़ी हुई मतलब किताबें मैंने बहुत पढ़ी और मैं भटक रहा था। लेकिन 1985 अगस्त 2 तारीख को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं यीशु मसीह को मिल सका और मैंने उद्धार पाया। तो उद्धार पाने के द्वार के बाद जो मेरा भटकना था, जो मेरी चिंता थी, वो खत्म हो गई। तो मेरे मन का पाप जब मैंने धो लिया और उद्धार पा लिया, और तब से अब तक मैं 3 साल ज्यादा यीशु मसीह में जी रहा हूँ। सच में मैंने बहुत खुशी और धन्यवादी जीवन जिया है। तो यीशु मसीह को मिलने से पहले तो मुझे फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था, रिलीजन में बहुत इंटरेस्ट था, और मैंने पढ़ाई मतलब कल्चर की थी। तो मैं बहुत मतलब नॉवेल्स और बहुत लिटरेचर की किताबें मैंने बहुत पढ़ी थी। तो उद्धार पाने के बाद जब मैंने जीवन के बारे में जवाब प्राप्त कर लिया, तो फिर फिलॉसफी और ये दुनिया का जो लिटरेचर है इसमें मतलब इंटरेस्ट मेरा खत्म हो गया। तो कुछ समय पहले आजकल मतलब फिलॉसफी में क्या बातें प्रचलित है, तो मैंने मतलब एक फिलॉसफी के मतलब इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया, तो उसमें फिलॉसफी के विषय में क्या लिखा हुआ था। तो फिलॉसफी की हर मतलब पहलू से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सलूशन आज तक मतलब फिलॉसफी के पास नहीं है। तो ये सारी समस्याएं क्या सचमुच में सुलझ सकती हैं? और अगर ये सुलझ सकती हैं तो किस तरीके से सुलझ सकती हैं? उस
उस विषय में अभी तक मतलब लोगों को कुछ नहीं पता है। तो मतलब फिलॉसफी इतने सालों से, मतलब फिलॉसफी ने क्या किया है उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। तो फिलॉसफर जब बात करते हैं कि जीवन क्या है, तो जीवन कहीं से आ रहा है, कहीं को जा रहा है, जीवन का मकसद क्या है, मनुष्य क्यों जी रहा है और क्यों मर जाता है, और मरने के बाद कैसी दुनिया है, क्या है, तो इन चीजों के बारे में सालों साल लोगों ने रिसर्च किया है। लेकिन इतने सालों के बाद भी कोई एक स्पष्ट जवाब मतलब लोग नहीं पा सके हैं। तो फिर क्या फिलॉसफी सचमुच में इस बात का जवाब ढूंढ पाएगी? तो उस मतलब होम पेज पे जब मैं पढ़ रहा था, मतलब किस तरीके से जीवन के विषय में एक निष्कर्ष निकाला जा सके, उसका कोई तरीका नहीं है, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था। तो दुनिया के मशहूर फिलोसफर्स सोक्रेटस है या एरिस्टोटल है या हिटॉक्रस है, तो मार्कुस ऑरेलियस आजकल का जो फिलोसोफर है, और डेकार्त करके कोई एक फिलोसोफर है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे मशहूर फिलोसोफर्स हैं जर्मनी में, अलग अलग देशों में। तो मतलब बहुत उनकी लंबी लिस्ट है जो कि जीवन के बारे में सोचते हैं और रिसर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने मतलब जीवन क्या है इस बारे में एक स्पष्ट जवाब नहीं वो दे पाए हैं कि जीवन क्या है और जीवन क्यों है, उसके बारे में कोई स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं है। तो फिर हम लोग जीवन के जवाब हमें कहाँ से मिल सकते हैं? तो हजारों साल के दौरान इंसानों ने मतलब इस जीवन के बारे में बहुत सोचा, बहुत डिस्कस किया, बहुत आर्ग्यूमेंट सामने आए, बहुत मतलब रिसर्च किया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। तो फिर इंसान की बुद्धि से मतलब जीवन क्या है हम उसको नहीं समझ सकते। तो जीवन से जुड़ी हुई सारी जो बातें हैं या सारे जो जवाब हैं, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर के वचन के अंदर वो सारे जवाब हैं। तो आपके जीवन के सारे जो जवाब हैं वो परमेश्वर में हैं। तो जब मैं छोटा था तो एक बार मैं पिकनिक गया, तो आप लोग भी बचपन में पिकनिक जरूर गए होंगे। तो जब हम पिकनिक जाते थे तो हम मतलब बहुत सुंदर जगहें देखते हैं और फिर दोस्तों के साथ मजेदार बातें करते हैं। तो हम लाइक बहुत दूर कहीं पिकनिक के लिए गए थे, और जब जिस जगह में जाना था हम वहाँ पे पहुंचे, तो हमने मतलब वहाँ पे कोई डांस गाना ये वो किया, और फिर मतलब स्कैवेंजर हंट खेला, बहुत मजा आया। लेकिन मतलब जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा मजा मतलब हमारे जो टैलेंट शो होता है और स्कैवेंजर हंट में होता है, और फिर लंच टाइम। तो घर से हमारी मम्मी ने जो हमें लंच बॉक्स बना के दिया होता है, तो वो मतलब इतना स्वाद लगता है वो पिकनिक में जाके जब खाते हैं। तो फिर लंच के बाद हम लोग स्कैवेंजर हंट खेलते हैं, मतलब खजाना ढूंढने की गेम खेलते हैं। तो टीचर जो है वो छोटे छोटे कागजों पे कुछ कुछ लिख के मतलब इधर उधर छिपा देती है। तो मतलब बच्चे ढूंढते हैं पत्थरों के नीचे, पेड़ों के पीछे, पेड़ों के पत्तों के अंदर, और मतलब वो अलग अलग पर्चियां ढूंढते हैं, और कुछ पर्चियों के ऊपर खजाने का नाम लिखा हुआ होता है। तो जो भी पहले ढूंढ लेता है फिर वो चिल्लाता है, मिल गया करके चिल्लाता है। लेकिन जो लोग नहीं ढूंढ पाते वो लोग कोशिश करते हैं कि हम भी ढूंढ लें, कैसे ना कहीं हमें भी एक पर्ची मिल जाए। तो ऐसा करके बहुत मजेदार गेम होता है। तो मतलब वो पर्चियां टीचर्स ने मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे छिपाई होती हैं। तो टीचर्स मतलब शुरू करने से पहले हमें बताती हैं कि बच्चों अभी एक खजाना ढूंढने की गेम शुरू होगी, तो वहां पे जो आपको एक चट्टान दिखाई दे रही है, उस चट्टान से लेके यहाँ पे जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस एरिया के अंदर अंदर खजाने छिपे हुए हैं, आप लोग ढूंढो। तो
मतलब एक पर्टिकुलर बॉर्डर है, एक एरिया है जहां पे वो छिपाए गए हैं, तो अगर हम उसके बाहर जाके ढूंढेंगे तो कितना भी ढूंढते रहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर ढूंढना है तो टीचर्स ने जो एक बाउंड्री बताई है कि यहाँ से यहां तक हमने छिपा के रखे हुए हैं, उधर ढूंढना पड़ता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने खुशी कहाँ छिपा के रखी है, उसकी एक बाउंड्री है। तो परमेश्वर ने दुनिया में मतलब खुशी और हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन की शांति सब यीशु मसीह में रखी है। तो यीशु मसीह को छोड़ हम दुनिया में कहीं पे भी सच्ची खुशी और सच्ची संतुष्टता महसूस नहीं कर सकते। तो मनुष्य जो परमेश्वर को छोड़ चुका है, जो लोग यीशु मसीह के बाहर हैं, तो परमेश्वर ने बार बार क्या बताता है, वहां नहीं है, वहां कुछ नहीं है। परमेश्वर के बाहर तू कितना भी ढूंढता रहेगा, वहां तुझे सच्ची खुशी, सच्चा आराम नहीं मिलेगा, वहां पे शांति आराम नहीं है। यीशु मसीह में ढूंढना होगा, यीशु मसीह के अंदर जवाब है। तुझे अंदर आना पड़ेगा, तुझे इधर आके ढूंढना होगा। तो मतलब परमेश्वर निरंतर सब मनुष्य को ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की जो फिलॉसफी है, इंसान की जो विचारधारा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। तो इस दुनिया में जो धर्म है उनमें भी कोई जवाब नहीं है, सारे जवाब यीशु मसीह में है। तो इसलिए यीशु मसीह के पास लौट आओ, यीशु मसीह के पास आ जाओ। तो परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है। तो यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है। इसलिए अगर कोई यीशु मसीह से दूर है तो वो मार्ग नहीं ढूंढ सकता। तो जो यीशु मसीह से दूर है उसे यीशु मसीह के पास लौट के आना पड़ेगा। यीशु मसीह में जब वो प्रवेश करेगा तभी एक व्यक्ति का भटकना खत्म होगा और उसको सच्ची शांति मिल सकेगी। यीशु मसीह कहता है कि मतलब सत्य मैं हूं। तो यीशु मसीह ने कभी ये नहीं बोला कि तुम सत्य को ढूंढो, सत्य को रियलाइज करके आओ, सत्य को ढूंढ के लेके आओ। यीशु मसीह कहता है कि मैं सत्य हूं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बताया? तो मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर अपनी सोच, अपने शरीर की इच्छाओं, अभिलाषाओं के पीछे चलकर अपना जीवन जीता है, उस चीज को परमेश्वर पाप कहता है। और वो मार्ग सच में बिल्कुल दुष्ट मार्ग है, बेकार का मार्ग है, और उस मार्ग पे चल के अंत में केवल हमें विनाश ही मिल सकता है। तो पहले से ये जानकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाना मन फिराव है, अपने न्याय, अपने मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आना। तो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, परमेश्वर के साथ मन एक करना और परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करना, परमेश्वर के साथ चलना, तब हमारा जीवन सचमुच में खुश हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है, आशा और खुशी से भर सकता है। तो मनुष्य क्योंकि परमेश्वर नहीं है, इसलिए मनुष्य कितना भी होशियार क्यों ना हो, मनुष्य फिर भी कमजोर है, मनुष्य फिर भी मतलब असुरक्षित है और कमियों से भरा हुआ है। तो जिनकी नजरें कमजोर होती है उनको ऐनक की जरूरत होती है, जिनकी टांगे कमजोर होती है उनको बैसाखियों की जरूरत होती है, तो जिनकी आंखें कमजोर हैं वो चश्मे पे निर्भर करते हैं, जो खुद चल नहीं पाते वो बैसाखियों पे निर्भर करते हैं। हमें क्यों परमेश्वर की जरूरत है? क्योंकि हम मनुष्य सच में कमजोर हैं, क्योंकि हम कमियों से भरे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर जिसके पास सिद्ध बुद्धि है, सिद्ध ताकत है, हमें उस परमेश्वर की जरूरत है। तो परमेश्वर के पास सच में असीम प्रेम और असीम अनुग्रह उसके पास है। तो परमेश्वर उस दुनिया में हमारी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में प्रवेश करें। तो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और हमको बनाया, और वो इस सारी सृष्टि को पकड़े हुए है। तो दोस्तों, जो मछलियां हैं, जब वो पानी में रहती हैं तब वो सबसे आजादी से रह सकती हैं। तो पानी के अंदर मतलब मछलियां आजाद है, वो इधर उधर कहीं भी जा सकती हैं, पानी से बाहर निकल के वो जिंदा नहीं रह सकती। तो जो चिड़िया है वो सबसे आराम आकाश में महसूस करती है जब वो उड़ती है। एक ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है तब वो सबसे आजादी से चल सकती है। तो अगर ट्रेन सोचे कि मुझे मतलब आजादी से इधर उधर जहां मुझे मेरा मन करे वहां जाना है, तो मैं पटरी से उतर जाती हूँ, तो क्या होगा? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा।
उसी प्रकार मनुष्य जब सच में परमेश्वर ने अपना जीवन जीता है, तब वो सबसे खुश और सबसे आरामदायक, सबसे शांति से भरा हुआ जीवन जी सकता है। तो परमेश्वर ने जिसने जिस मतलब जिसने चिड़िया को पंख दिए उसके लिए आकाश बनाया, तो मछली को मतलब तैरने की ताकत दी और उसके लिए सच में समुद्र बनाया। तो समुपदेशक 3:11 में लिखा है कि मनुष्य सच में अनंत जीवन, क्या कहते हैं, अनंत जीवन को पसंद करने का मन रखते हैं। तो परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए अनंत जीवन तैयार किया है, अनंत काल का स्वर्ग, अनंत काल का अनुग्रह हमारे लिए तैयार किया है। तो दुनिया में हम ऐसे ही बाय चांस दुनिया में आ गए और बाय चांस जिएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में अनंत काल का अनुग्रह और अनंत काल की खुशी से जीने का जीवन हमारे लिए तैयार किया है। और आप सबको परमेश्वर उस उद्धार के वचन के सामने अगुवाई करना चाहता है। तो लोग जब अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मिलते हैं, तब वे अपने जीवन के असली मकसद और असली मतलब को समझ सकते हैं। जब वे परमेश्वर को मिलते हैं, तब वे सच्ची खुशी और सच्चा विश्राम पा सकते हैं। जब वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पे रहते हैं, तब वो एक उज्जवल जीवन जी सकते हैं। तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, तो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर, उस परमेश्वर के अंदर सच्ची खुशी, सच्ची आशा और सच्ची शांति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग परमेश्वर से अलग मन रखे हुए हैं और परमेश्वर के वचन से अलग सोच रखे हुए हैं, इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह का आविष्कार नहीं कर पाते। अगर आपको परमेश्वर को मिलना है, अगर आपको अपने मन में परमेश्वर को स्वीकार करना है, तो आपको अपनी सोच को नीचे रखना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ जब आप अपना मन एक करेंगे, तो परमेश्वर का अद्भुत ताकत और अनुग्रह आपके पास आ सकेगा। तो अब से मैं परमेश्वर के वचन बाइबल के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो लोग बाइबल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो बाइबल हमारे जीवन का मैनुअल है, हमारे मतलब स्वर्ग का नक्शा है, हमारा मार्गदर्शन है, परमेश्वर की दी हुई चिट्ठी है। तो सारी मतलब बातों का अपना अपना मतलब है। तो परमेश्वर सच में बाइबल के द्वारा अपनी मौजूदगी, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि हमें हमें दिखाता है, हमारे ऊपर प्रकट करता है। और इस बाइबल के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रति जो अपनी योजना रखता है या फिर जो इच्छा रखता है, उसको स्पष्ट रूप से विस्तार से हमें समझाता है। तो ये जो बाइबल है, तो जो लोग बाइबल से प्रभावित होते हैं, जो तो पहला पत्रस 2:21 में लिखा है कि ये जो परमेश्वर के वचन है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। तो इस दुनिया की जितनी किताबें हैं, उसमें सबसे अद्भुत किताब बाइबल है। तो परमेश्वर ने हमें एक चिट्ठी लिख के दी है, वो बाइबल है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि जब हम चिट्ठी पढ़ते हैं, तो लिखने वाले के मन को समझना जरूरी है। तो अगर बाइबल स्वर्ग जाने का रास्ता है, तो फिर अगर हमें किसी जगह का रास्ता ढूंढना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना पड़ेगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। तो बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। तो पुराने और नए नियम में ये बंटी हुई है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो पुराने नियम का मतलब होता है पुराना वादा और नए नियम का मतलब है नया वादा। तो बाइबल लाइक वादा है। तो मतलब जैसे हम हिंदी में पुराना नियम कहते हैं, कोरियन भाषा में पुराना वादा, पुराना नया वादा, ऐसा है, ऐसा उसका अर्थ है। तो
तो पुराने नियम की सबसे जो लास्ट किताब है वो यीशु मसीह के पैदा होने से 400 साल पहले लिखी गई किताब है, और जो नई मतलब नया नियम यीशु मसीह के क्रूस पे मरने के 100 साल के बाद तक का काम उसमें रिकॉर्डेड है। तो नए नियम में 27 किताबें हैं, पुराने नियम में 39 किताबें हैं। तो पूरी बाइबल का इतिहास जो है वो करीबन 1600 सालों का है। तो पुराना नियम यीशु मसीह के पैदा होने से पहले सच में भविष्यवक्ताओं के द्वारा मतलब क्या कहते हैं, कैसे पूरी मनुष्य जाति को बचाया जाएगा उसके बारे में भविष्यवाणी है, और नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा कैसे वो सारी भविष्यवाणियां और सारी वो चीजें पूरी हुई वो बताया गया है। तो एक स्कॉलर कहता है कि यीशु मसीह पुराने नियम में छिपा हुआ है और नए नियम में प्रकट किया गया है। तो पुराना नियम आगे आने वाले यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी बताता है, और नया नियम जैसे एक तो पुराने नियम में हम यीशु मसीह की छाया को बहुत जगह देख सकते हैं। तो यीशु मसीह के आने से पहले आगे आने वाला यीशु मसीह उसका नमूना, उसका उसकी छाया, उसका रूप हमें बहुत जगह दिखाया गया है। तो आदम, इजाक, यूसुफ, दाऊद, होसे, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं बाइबल में, तो ये आने वाले यीशु मसीह के विषय में हमें छाया दिखाते हैं। तो नूह की किताब में मतलब पुराने नियम में नूह का जो जहाज है, जो तंबू है, वो सारे असलियत में यीशु मसीह की छाया है। तो पुराने नियम में जो पाप बलि है, या जो अलग अलग त्योहार हैं, या फिर व्यवस्था है, वो सारी भी असलियत में यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 5:29 में क्या कहता है, यूहन्ना 5:29, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उनमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो पवित्र शास्त्र कह रहे हैं, ये मतलब पुराने नियम की बातें हैं। तो पुराने नियम में जैसे पुराना नियम मतलब यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लिखा गया, और तो जब यीशु मसीह दुनिया में था तो नया नियम नहीं था। तो यहाँ पे मतलब बाइबल में जब भी यीशु मसीह पवित्र शास्त्र शब्द का प्रयोग करता है तो वो पुराने नियम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए 5:39 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। तो हम बाइबल पढ़ने का थोड़ा मकसद क्या है, तो पाप के द्वारा सब मनुष्य के ऊपर मृत्यु आ चुकी थी, तो पापों की क्षमा प्राप्त करके मृत्यु से छुटकर अनंत काल का जीवन पाना, ये बाइबल पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है कि ये पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है। पवित्र शास्त्र पुराना नियम है, तो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लिखी गई बाइबल, तो 1500 साल पहले लिखी गई बाइबल, तो 39 जो किताबें हैं ये आने वाले यीशु मसीह की गवाही देने वाली किताबें हैं। तो लूका 24:27 में भी यीशु मसीह क्या बताते हैं, उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं के आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो मतलब मूसा ने यीशु मसीह के पैदा होने से कितने साल पहले 5 पुराने नियम की किताबें लिखी हैं। तो मूसा ने जो 5 किताबें लिखी हैं, तो इनको मूसा की किताबें बोलते हैं। तो
वचन यहाँ पे नए नियम में यीशु मसीह क्या बताते हैं कि मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। तो सारे भविष्यवक्ता, मूसा से लेकर सारे भविष्यवक्ता असलियत में यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं। तो यीशु ने ये चीजें अपने चेलों को समझाई। तो पुराना नियम आने वाले यीशु मसीह की गवाही है, मतलब पहले से लिखा गया वादा है। तो मतलब बाइबल का जो बैकग्राउंड है वो तीन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, और मतलब नया नियम जो है वो मतलब ग्रीक लैंग्वेज में और हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई, और सब लोग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं जिन लोगों ने बाइबल को लिखा है, अलग अलग काम थे उनके। तो यहोशू जो है वो एक सेनापति था, आमोस एक गडरिया था, दाऊद और सोलोमन राजा थे, एज्रा एक याजक और एक स्कॉलर था, एस्थर एक रानी थी, नहेमिया बाबिलोन का में ले जाया गया बंदी था, यर्मिया एक बच्चा था, मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, लूका एक डॉक्टर था, पत्रस एक मछुआ था। और तो कुछ बाइबल ऐसी है जिसे हमें नहीं पता कि किसने लिखी है, लेकिन बाइबल बाइबल के जो ये मतलब लेखक हैं उन्होंने एक जगह बैठ के नहीं लिखी है। तो ये किस टाइम पीरियड में पैदा हुए, मरे, इन्होंने कहाँ ये बाइबल लिखी, कैसे लिखी, वो बिल्कुल अलग है। तो बाइबल के सारे जो लेखक हैं वो सबने अलग अलग जगह अलग अलग जनरेशन में परमेश्वर की आत्मा से प्रभावित होके उन्होंने इन वचनों को लिखा है। तो मूसा जब जंगल और रेगिस्तान में अपना जीवन बताया तब उसने पुराना नियम लिखा, और नए नियम में पौलुस ने कितनी किताबें लिखी हैं। तो पौलुस ने मतलब जेल में बैठ के भी किताब बहुत सारी किताबें लिखी हैं। दानियल जो परमेश्वर का सेवक था वो राजमहल में रहने के दौरान उसने परमेश्वर की के मतलब बाइबल को लिखा, और जो पहला योहन्ना, दूसरा योहन्ना प्रकाशित वाक्य। तो ये योहन्ना मतलब एक यीशु का चेला था जिसने किताबें लिखी हैं, उसने एक मतलब आइलैंड के ऊपर लिखी है। तो दाऊद जब उसने भजन संहिता कब लिखी, जब उसके दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे, उसने तब भजन संहिता को लिखा है। तो बाइबल मतलब अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है। तो कुछ बाइबल्स लाइक हिस्ट्री बुक्स हैं, और कुछ बाइबल्स जैसे एक व्यक्ति की डायरी के समान है, नीति वचन, और मतलब कुछ बाइबल पोएम के समान है। तो कुछ बाइबल चिट्ठी स्टाइल में लिखी गई है। तो कुछ बाइबल लाइक भविष्यवाणी के समान है, जो आगे होने वाली बातों के बारे में, प्रोफेसी के बारे में बताती हैं। तो बाइबल मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, और लंबे टाइम पीरियड के दौरान लोगों ने अलग अलग जनरेशन में अलग अलग जगहों पे इसको लिखा और अलग अलग स्टाइल में लिखा। लेकिन अद्भुत बात क्या है, तो ये 66 किताबें, तो ये सारी की सारी चाहे अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, अलग अलग मतलब बैकग्राउंड में लिखी गई, लेकिन सबका टॉपिक एक है, मतलब एक है। तो 66 किताबें सारी की सारी मतलब एक उनका अच्छा मतलब एक मेल मिलाप हम देख सकते हैं, और एक प्रकार की जैसे यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक बाइबल में। तो एक बहुत ही अद्भुत जैसे एक मोजाइक डिजाइन हम देखते हैं, उस प्रकार की चीज है बाइबल। तो जैसे अलग अलग पीसेस को हम जोड़ दें तो एक बहुत ही सुंदर जैसे चित्र निकल के आ जाता है। तो एक एक और एक एक टुकड़ा अपने आप में मतलब अपना अर्थ रखता है, और ये सारे मतलब एकदम से मतलब जैसे एक पजल के टुकड़े जुड़ जाते हैं, वैसे पूरी बाइबल आपस में जुड़ जाती है। तो चाहे इतने लंबे जनरेशन के दौरान लिखी गई किताब है,
और चाहे 40 राइटर्स ने इसको लिखा है जिनके अलग अलग प्रोफेशन थे, अलग अलग काम थे, लेकिन अगर आप इसको एज अ टोटल देखेंगे तो मतलब एक है और एक यूनिफॉर्मिटी है बाइबल में शुरू से लेकर एंड तक। तो कोई कोई बाइबल किताब एक बंदी ने लिखी है, एक कोई मछुए ने लिखी है, कोई एक टीचर ने लिखी है, कोई एक स्कॉलर ने लिखी है। आप सोचो कि अगर आप दुनिया की ऐसे किताबें इकट्ठे करेंगे, 66 किताबें जो दुनिया ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग फील्ड के लोगों ने लिखी है, क्या हम उनको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बाइबल कैसे, मतलब इतने डिफरेंट राइटर्स की किताब को एक किताब में ऐसे कंपाइल करके एक मैसेज हमें शुरू से एंड तक मिल सकता है? उसका कारण सिर्फ एक है। तो बाइबल के राइटर्स चाहे 40 लोग हैं, लेकिन असलियत में इसका ऑथर सिर्फ एक है। तो यशाया की किताब है, यह यशाया 34:16 जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम यहोवा की किताब को विस्तार से पढ़ो, स्पष्ट में स्पष्ट रूप से पढ़ो, और मतलब इसमें हर एक का अपना अपना एक जोड़ा है। यहोवा की पुस्तक ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर के प्रकाशन से बाइबल लिखी गई है, इसीलिए जो बाइबल के राइटर्स हैं हम उनको मतलब ऑथर नहीं बोल सकते, उन्हें बस लिखी है, लेकिन लिखने वाला परमेश्वर है। तो जब मैं हाई स्कूल में था, मतलब मैंने टीचर का जीवन 8 साल के लिए जिया है। हाई स्कूल में मैं टीचर था, तो मैंने मतलब बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को एक चीज सिखाई है कि मतलब लेख कैसे लिखा जाता है, कि लेख का टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, शुरू कैसे करते हैं, अंत कैसे करते हैं, और मतलब समझाने के बाद स्टूडेंट्स को लिखने के लिए बताता कि तुम एक लेख लिखो। तो सबको सेम टाइम देता कि अपना फ्री टॉपिक यूज करो और अपनी स्किल को यूज करके लिख के दिखाओ। तो बिल्कुल चाहे मैंने सेम क्लास में सेम मतलब टॉपिक सबको समझाया था, सबको सिखाया था और सबको सेम टाइम दिया गया, लेकिन वो लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी ताकत, अपनी अबिलिटी के हिसाब से, तो सब अलग अलग लिखते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते सारे एक चीज लिख के लेके आएंगे, लेकिन ये बाइबल की 66 किताबें एक पजल की तरह मतलब जोड़ी जा सकती हैं। तो ऐसा इनका एक यूनिफॉर्मिटी है सारी बाइबल में, मतलब एक एक बहाव हम शुरू से अंत तक देख सकते हैं। इसीलिए हम मतलब स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि ये बाइबल मनुष्य के द्वारा लिखी नहीं गई है, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा लिखी गई है। तो आज मैं पीपीटी के द्वारा आपको बाइबल के द्वारा बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके स्पेशल कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ। तो बाइबल दुनिया में तो मतलब तो सबसे ज्यादा भाषाओं में इसका लाइक ट्रांसलेशन हुआ है, 200 कुछ लैंग्वेजेस में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ है, और सबसे लंबे टाइम सबसे ज्यादा लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, और सबसे ज्यादा लोगों का जीवन इससे बदला है, और सबसे ज्यादा ये दुनिया में बिकी है, और इसके अंदर अद्भुत सच्चाई छिपी हुई है, और इसका मेन कैरेक्टर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले से भी मेन कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो पुराना नियम हमें आने वाले यीशु मसीह के बारे में जैसे भविष्यवाणियां बताता है, और बाइबल भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में लाइक इन एडवांस हमें स्पष्ट रूप से बताने वाली एक जैसे प्रोफेसी की किताब है। तो बाइबल में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं, और इतिहास में वो प्रोफेसी सचमुच में पूरी होती हुई हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। तो बाइबल हमें मौत के बाद की दुनिया को स्पष्ट रूप से बताने वाली किताब है।
तो परमेश्वर का वचन ये बाइबल हमारे मन के सारे पाप को स्पष्ट रूप से धोने का अद्भुत ताकत रखती है, और बाइबल हमारे मन के रूप को, हमारे मन की दुनिया को सबसे स्पष्ट रूप से दिखाने वाली किताब है। तो हम लोग, तो बहुत मशहूर जो साइंटिस्ट हैं, उनमें से बाइबल से इंस्पिरेशन पाकर बहुत अद्भुत खोज करने वाले, बहुत अद्भुत आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट हैं। तो बहुत सारे ऐसे मशहूर साइंटिस्ट को हम देख सकते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये स्कॉटलैंड के मशहूर डॉक्टर हैं, तो जेम्स सिम्पसन है इनका नाम। तो इन्होंने सबसे पहले मतलब एनेस्थीजिया बनाया था, जो सुन करने की दवाई है वो इन्होंने बनाई थी। तो 1870 में इनकी मतलब डेथ हो गई। तो ये बहुत इंटेलिजेंट थे, 14 साल की उम्र में एडिनबरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था इनको, और 29 ईयर्स की उम्र में ये वहां पे प्रोफेसर बन गए। तो कैसे मतलब सर्जरी के टाइम पे लोगों के दुख को कैसे खत्म कम किया जा सकता है, उन्होंने मतलब उत्पत्ति 2:21 एक दिन पढ़ा कि यहोवा ने आदम को मतलब गहरी नींद में सुला दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी निकाली और उसने उसके ऊपर मांस लगाया और हवा को बना दिया। तो ये वचन पढ़ने के दौरान उसके मन में ऐसा आया कि मतलब डॉक्टर के हिसाब से, लाइक डॉक्टर के लॉजिक के हिसाब से, कि जैसे वो उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल रहा है परमेश्वर आदम की, तो उसको इतनी इतना मतलब दर्द होना चाहिए, लेकिन मतलब आदम आराम से सो रहा है, उसको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। और वो हवा को देख के बोलता है कि ये मेरे मेरी हड्डी की हड्डी, मेरा मांस का मांस है। तो ये वचन देख के सिमसन के मन में क्या आया कि जिस प्रकार आदम को परमेश्वर सुला दिया, वैसे ही अगर किसी मरीज को मतलब सुला दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, तो फिर उसका ऑपरेशन कितना आराम से हो जाएगा। तो ये सोच को मतलब सोच के द्वारा उसने आगे चल के वो एनेस्थीजिया का आविष्कार किया। उसने मतलब क्लोरोफॉर्म से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो बहुत सारे उसने पहले केमिकल्स को यूज किया। तो जब उसने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया, तब उसे पता चला कि हाँ, इसको एनेस्थीजिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और एनेस्थीजिया का जो आविष्कार था, मतलब जो सुन करने वाली दवाई है ऑपरेशन के टाइम पे जो देते हैं, तो उससे पहले मतलब लोगों को ऑपरेशन बिना सुन किए होता था, तो कितना लोगों को दर्द होता होगा। तो आप सोचो कि औरत की डिलीवरी हो रही है और कोई मतलब वो नहीं है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है और उसको सुन नहीं कर सकते, तो फिर वो कितना, या तो औरत मर जाएगी या तो बच्चा मर जाएगा। तो मतलब जैसे सी सेक्शन करना पड़ गया किसी का, सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ गई बिना एनेस्थीजिया के, कितना मुश्किल होगा। तो सिमसन ने परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि प्राप्त की और उसने सुन करने वाली दवाई का आविष्कार की। तो आज चाहे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैसे उसने इस चीज का आविष्कार किया, उसको कहाँ से ऐसी बुद्धि मिली। उसको याद करने वाले लोग कोई नहीं है, लेकिन ये जो सिमसन प्रोफेसर है, इसने बाइबल को पढ़ के, बाइबल के द्वारा इस बुद्धि को प्राप्त किया था। तो सिमसन जब बहुत बुजुर्ग हो गया, तो उसके चेलों ने उससे पूछा, प्रोफेसर साहब, आपने पूरे जीवन मतलब डॉक्टर का काम किया है, एक स्कॉलर का काम किया है, और आपने कितनी चीजों का खोज किया है, आविष्कार किया है, तो आपने जो कुछ भी आविष्कार किया है उसमें से सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, एक चीज आप बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? तो सिम्पसन के चेले सोच रहे थे कि वो जरूर एनेस्थीजिया के बारे में बात करेगा, लेकिन सिम्पसन ने क्या बोला, उसने ऐसे जवाब दिया। तो पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार कि पाप की वजह से मैं अनंत काल
का नाश होने वाला व्यक्ति था, लेकिन मेरे पाप को धोने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली, और यीशु मसीह ने मेरे पापों की कीमत चुका दी, और मेरे सारे पापों को उसने धो दिया, और मुझे धर्मी बना दिया, मुझे उद्धार दिया। ये जो सच्चाई है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है, उसने ऐसे जवाब दिया। तो सिम्पसन प्रोफेसर जब गुजर गया, तो लोग उसकी मौत पे सच में बहुत रोए, और उसके फ्यूनरल पे करीबन 3 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो अंत में उसने मतलब क्या किस बात का उसने पछतावा किया कि मैंने डॉक्टर का जीवन जीते हुए बहुत लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। तो वो मतलब एक बहुत ही गहराई से आत्मिक जीवन जीने वाला डॉक्टर था। तो ये व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं, तो ये मैथ्यू मरी नाम के एक प्रोफेसर है। तो इन्होंने मतलब समुद्र के अंदर रास्ते ढूंढे। तो ये मतलब एक नेवी के क्या कहते हैं जनरल थे। तो उनकी लिखी हुई किताब है। तो जब ये मतलब बीमार की वजह से मरने की हालत में थे, तो इनका बेटा मतलब रोज इनको बाइबल पढ़ के सुनाता था। तो एक दिन उसने मतलब भजन संहिता 8:8 इनको पढ़ के सुनाया। तो भजन संहिता 8:8 जब पढ़ा, तो उसमें मतलब आकाश और समुद्र के मार्ग के बारे में लिखा हुआ है। तो जब हम समुद्र को देखते हैं, तो समुद्र में मतलब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन ये क्योंकि आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने इसको बुद्धि दी कि समुद्र के अंदर भी मार्ग है। तो उसने बोला कि अगर मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, तो समुद्र के मार्ग खोजने का काम करूंगा। इसलिए तो उसे लगता था कि वह मतलब क्या कहते हैं, मैं अच्छे से जैसे समुद्र के बारे में जानता हूँ, लेकिन उसने पहली बार ये सुना कि समुद्र के अंदर मतलब रास्ते भी हैं। तो अगर तो उसने सोचा कि जब मैं बीमारी से ठीक होऊंगा, तो मैं समुद्र के मार्ग ढूंढूंगा। और तो फिर मतलब उसने आकाश के मार्ग और समुद्र के मार्ग के बारे में बहुत उसने मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च करी, और उसका जो रिसर्च का रास्ता मतलब रिजल्ट था, पहली बार समुद्र में रास्ते के बारे में लोगों को पता चल सका। तो लोग ट्वेंटी में इसका जन्म हुआ था वर्जीनिया नाम की जगह में। तो वहां पे इसकी एक बहुत बड़ी लाइक स्टैच्यू बना के उन्होंने लगाई हुई है। तो उसकी स्टैच्यू के नीचे मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जीनियस, ये वो जीनियस है जिसने मतलब समुद्र और आकाश के मार्ग को सबसे पहले खोजा था। आगे चल के जब भी लोग आकाश या समुद्र में सफर करेंगे, तो आपको याद करेंगे। तो मतलब भजन संहिता 8:8 से प्रेरित होके इन्होंने ये आविष्कार किया, वो भी वहां पे लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन के पे विश्वास करके इन्होंने इस बात की खोज की। और ये नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं, आप इनको अच्छे जानते होंगे, तो इनका नाम जॉन मेंडल है। तो ये ऑस्ट्रिया वियना यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर थे। तो ऑस्ट्रिया वियना 대학에서 자연 자연과학을 연구하고 나중에
수도원 원장이 되었습니다. 맨델은 수도원 정원에서 इन्होंने मतलब जेनेटिक्स के बारे में खोज की थी, लेकिन तब इनकी रिसर्च को मतलब मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। तो इनको कैसे पता चला था कि मतलब इन्होंने진화론을 증명할 방법을 알아내고자 쉬를 이용해서 연구를 했어요. 이분은 मतलब चूहों के द्वारा लाइक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इन्होंने मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते थे मतलब इतने सारे चूहों को देख के वो गुस्से हो गए, इसलिए उन्होंने मतलब ये एक्सपेरिमेंट बंद करा दिया। तो फिर इन्होंने मतलब मटर के दानों से वही एक्सपेरिमेंट को पूरा करना शुरू किया। इन्होंने मतलब पहला कुरिन्थियों 15:38 इससे प्रेरणा पाके अपना रिसर्च कैरी आउट किया था। तो पहला कुरिन्थियों 15:38 इसके द्वारा इनको क्या पता चला कि मतलब हर एक बीज में उसका विशेष जैसे दर्ज है, ये मतलब इस बात से प्रेरणा पाकर उन्होंने मतलब मटर के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड एक खोज को प्रकट किया। लेकिन इनकी जो खोज थी और इनका जो प्रोफेशन था मतलब उसका कोई मेल नहीं था, इसलिए इनकी रिसर्च को उन्होंने तुच्छ माना। लेकिन असलियत में मतलब इनके हिसाब से परमेश्वर ने हर एक चीज को अपनी अपनी मतलब अपने अपने खासियत के हिसाब से बनाया है। और मरने से पहले इस व्यक्ति ने क्या बोला कि जो जेनेटिक्स की खोज मैंने की है ये सच्चाई है और आगे चल के जरूर इसको मान्यता प्राप्त होगी। और वो ये बोल के मरे कि माय टाइम विल कम, मतलब मेरी जो खोज है एक दिन वो मानी जाएगी। तो उन्होंने परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो खोज उन्होंने की थी आगे बहुत साल जाने के बाद उसको सचमुच में लोगों ने पहचाना और उसको मान्यता प्राप्त हुई। तो आज बहुत सारे लोग उसको एक जेनेटिक साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन ये अद्भुत सच्चाई कहाँ से उन्होंने लाइक आविष्कार की? बाइबल के द्वारा उन्होंने सच्चाई की खोज की, ये जानने वाले लोग सच में बहुत कम है। तो अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये मशहूर लुई पैश्चर नाम के साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे उत्पन्न होते हैं किसी चीज के अंदर उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया। तो तो ये मतलब ऐसा मानते थे कि हर चीज को किसी ने बनाया है, लेकिन इनसे पहले एक साइंटिस्ट था कि मतलब लाइक जीवन अपने आप उत्पन्न हो गया है। तो इन्होंने बाइबल के हिसाब से कि परमेश्वर ने हर चीज को मतलब बनाया है, इसीलिए पास्टर ने एक बड़ा सा लाइक फ्लास्क लिया और उसके अंदर जैसे एक मीट का सूप रखा और उसको उसको लाइक बॉईल किया और उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया कि उसके अंदर कुछ हवा ना जा सके। और तो फिर उसने ऐसे ही जब उसको रखा तो उसमें कुछ मतलब चेंज नहीं हुआ, वो खराब नहीं हुआ बहुत दिनों के दौरान। तो फिर मतलब जीवन जीवन से उत्पन्न होता है, इस बात पे इन्होंने लाइक जोर दिया। और इनकी रिसर्च के हिसाब से वो सच्चाई लाइक व्हाटएवर लाइक की सच है, ये लोगों ने मान लिया। तो बिना जीवन के जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता, तो इस वजह से लाइक इसको बहुत बड़ा लाइक अवार्ड मिला। तो इनको भी मतलब बाइबल के द्वारा इस बात की प्रेरणा मिली थी। तो खांगवांदो हेंगसंग में अगर आप जाएंगे तो वहां पे पास्टर नाम का एक दूत मिलता है। तो
मैं बहुत बार उसको देखता हूँ उस दुकान को, तो ये इतना मशहूर मतलब साइंटिस्ट है कि आज भी इसका नाम पे मतलब दूध बिकता है, पास्टर मिल्क। तो पेरिस में पास्टर म्यूजियम है, तो इन्होंने जो अलग अलग फ्लास्क को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया उनको अभी भी रखा हुआ है। तो मतलब जो जैसे जो स्टेरिलाइज करके इन्होंने जो चीजें मतलब उस फ्लास्क के अंदर रखी थी वो इतने सालों के दौरान अभी भी मतलब स्टेरिलाइज कंडीशन में, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मतलब सबसे अच्छा जैसे बायोकेमिकल साइंटिस्ट के रूप में मशहूर हैं। तो इन्होंने मतलब नेचर पे जितना ज्यादा रिसर्च किया, तो सच में उनके एक मशहूर शब्द हैं कि मतलब सृष्टिकर्ता स्पष्ट रूप से है, इस बात पे उन्होंने जोर दिया। तो और उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मशहूर लाइक साइंटिस्ट हैं जिनके रिसर्चेस के द्वारा हम जान सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा उन्होंने काम किया। तो जोसेफ लिस्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, और मॉरिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, और केमिस्ट्री के फादर कहलाने वाले बॉयल, और पहली बार राइट ब्रदर्स जिन्होंने मतलब एरोप्लेन को बनाया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, केपलर, आइजक न्यूटन, तो ग्लैरी कॉफकस। तो ऐसे मशहूर लोग, मैं सबके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट, तो उन्होंने मतलब अद्भुत सच्चाई को बाइबल के द्वारा आविष्कार किया है। तो कुछ लोग बोलते हैं साइंस के हिसाब से बाइबल गलत है, लेकिन सच में बाइबल जैसे साइंस, साइंस की मतलब जैसे रूट है, साइंस की जड़ है, साइंस लाइक बाइबल के ऊपर बेस्ड है असलियत में। तो जब अगर आप परमेश्वर के इस पे मन खोल के वचन को देखेंगे तो आप परमेश्वर का बहुत अनुग्रह प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसा मानते हैं। प्रार्थना करेंगे।